हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मेरी यार लाइट पूरे घर में यहाँ बेहतर लगी। मैं जा रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ? मैं सना के साथ जा रही हूँ। कहाँ जा रही हूँ आपको रास्ते में पता चल सकता है, और वहाँ जाके भी, क्योंकि मेरे लिए भी थोड़ा बहुत सरप्राइज ही है। मैं सना के साथ जहाँ जा रही हूँ, तो बस मैं थोड़ी बहुत तैयार हुई थी। मैं क्या आपके साथ अपना थोड़ा सा ड्रेस शेयर करूँ। ड्रेस तो आपने पहचान लिया होगा, ये जो मैंने ईद पे पहना था, मुझे लैला ने दिया था, वो है। उसके अलावा मैंने सिर्फ झुमके पहने हैं। झुमके जब ट्रेंडिंग में हो ना, तो आपको पहने अच्छे भी लगते हैं, साथ एक वॉच पहनी है, और कुछ भी नहीं। तो हल्का फुल्का सा तैयार होकर मैं जा रही हूँ सना के साथ, और वो फिर आपको रास्ते में पता चलेगा या जाके, जो भी है। मेरे भी सरप्राइज है थोड़ा बहुत। और आप सब सुनाए, कैसे हैं? ठीक है। ये बाथरूम का शीशा है और यहाँ लाइट सही आ रही थी, अदरवाइज अभी घर में मुझे वीडियो बनाते हुए और लाइव जाते हुए और इस तरह आपके साथ रबते के लिए थोड़ा इशू हुआ हुआ है, क्योंकि लाइट का मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। तो चलिए जी, बस आने वाली है, फिर आपसे रास्ते कहाँ मुलाकात जा रहे होती हैं है। प्लीज बताओ तो सही। हम जा रहे हैं, बस लोग अब इनवाइट करें, जाना पड़ता है, क्या करें। ले लोग इनवाइट करते हैं, मैं बताता था किसी को, मुझे को खैर खबर ही नहीं है। आपकी सनाज किचन इतनी प्यारी लग रही है, मैं अफसोस कि मैं आपको ना दिखा नहीं सकती। सना तुम क्या है यार तुम। हो सकता हाँ ना, नहीं ना, फिर ना वही हॉलीवुड तक शोर मत जाना। ओह माय गॉड, हॉलीवुड वाले टॉम मुझे कह रहे हैं 40 क्रूज 50 साल की लगती नहीं है। सुना आप टॉम क्रूज के साथ जाएंगे फिर, कौन पेयर सी आपका। गाने यार, ऐसा मजा रिएक्शन मेरे पे आ रहा है। जैसे जितना मर्जी रिएक्शन है मेरी सहेली, मैं जो मर्जी कहूँ किसी नू की। बनाओ ना, मैं आ रही हूँ। गाड़ी का नंबर ना इधर से बनाओ। वो गाड़ी का नंबर भी नहीं आ रहा और आप भी अधी अधी आ रही हैं शोखी में आके गाड़ी शोखी आप मार रही थी। शोखी तो नहीं हुई। ये जो आप रोज पीती है ना बाहर चाय, तो इसको जरा कपों का भी सूट साट दिया करें। नहीं, ये बस मैंने अपना कमरा हाँ जी, मैं बनाया। जा रही हूँ कुमेल, ये गाड़ी आप भी टाइम पे बस, तैयार होकर चले जाना ट्यूशन पे। मेरे पास पेट्रोल के पैसे हैं लेकिन नहीं मेरे पास, मैं अपना दूसरा पर्स कहीं आप निकाल मुझे तो लूंगी। नहीं मांगना चाह रही मेरे से नहीं 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 है? नहीं क्या कह रही हूँ मांग मैं, लेती, पर पूरी पेट्रोल जितने पैसे हैं नहीं है मेरे पास। क्या चल आ जाओ। मैं जा रही हूँ, अल्लाह हाफिज। क्या हूँ मैं घुमैल सो हूँ सुनी घुमैल जा रही। नाम ही प्यारा है, घुमैल। तुम ना अपने पोते पोती नमाज पढ़ना क्या हाल करना है घुमैल? सन आंटी प्यारी लग रही है, मुझे सारे बोलने लग, लोगों को भी प्यारी सुना लग रही है, बताओ कितनी। हाँ पता पता नहीं। नहीं, मतलब बच्चे के पास ओ अल्फाज नहीं है कुमैल कहने की ट्यूशन कि प्यारी जाना लग है, रही एंजेल है। सा रेड जा रही जाके है लेट यार, जा, फिर एंजेल के साथ निकल जाना। फिर चलो जाओ अल्लाह से। ये पर्स जा नहीं है बड़ा तू, हैं ये लो जी, यहाँ जाके रख दिया है ये आपके पैसे, मोबाइल और 20 रुपये। हाँ तब ड्राइविंग पे जैसे लोगों के तबले पे उंगलियां जो ऐसा रखती है ना तबले में गया अभी मरासियों के साथ में नहीं अगली तो निकला। सुनो ना कि इसकी स्टेयरिंग पे मैं ऐसे कहती मरासियों का बड़ा टैलेंट, तबला टैलेंट पता था कितना। वो, तो लोग झूमे कैसे हैं नहीं, आई जब लव तबले की तबला। थाप पे लोग झूमते हैं, तो वो मरासी का टैलेंट होता है, झूमने वाले का नहीं होता। नहीं, टैलेंट तो आई लव तबला, तुम्हें शायद पता नहीं। तबला हाँ, तबले की थाप बड़ी सना जब जबरदस्त हम लोग लगती जाया है। करते थे ना अच्छा सरीना साहब, उधर। हमने शुगर अच्छा सबसे मेरी ज्यादा बात किस सुनो पर आप बात करने पहले, वाले जब हैं मैं सरीना साहब? आप क्यों तो बताप हो रही मुझे दिखाने के लिए? लोगों ने कहा ओहो सना जी ने भी अपना फेस रिवील करा ही दिया। सना जी ने तुसी करोड़ा अरब दिया, सना जी फिर भी अपना फेस रिवील ना कराए, क्योंकि जी इतना सस्ता फेस नहीं है। फिर कल को लोग कहेंगे फेस रिवील करा दिया, लोगों के कहने पे। अब यूट्यूब भी आप छोड़ दें लोगों के कहने पे, तो लोगों के कहने पे तो आप पूरा नहीं पढ़ सकते ना। अच्छा, लोगों के कहने जो पे तो फेस पूरा नहीं रिवील पढ़ कराते सकते हैं, असल में वो अपना अंदर का उनका वो निकलता है बाहर कि हमने करवाना है फेस रिवील। हैं ऐसे किसी के कहने पे थोड़ी कोई फेस रिवील कराता है, तो वो सर जिसने करवाना तो वो करवा खुद लेते करवाता है ठीक ना। हाँ हमें जी फलाने ने कहा तो हमें फलाने ने कहा, है। एडे तुसी फलाने दे फरमान पूरे करना आए अच्छा फलाने के अलावा ना मैं मुझे भी कुछ कहने की इजाजत दे। हाँ जी हाँ बोलो बोलो। हाँ मैं बता रही हूँ, मुझे तबला बहुत पसंद है। जब हम सरीना होटल जाते मैं थे ना ना, तो तक तबले तक ही, मैं क्या हारमोनियम तक तो पहुंच गई नहीं हूँ अभी। हारमोनियम तक नहीं, मैं सिर्फ तबले तक रहूंगी। सुना और गिटार भी अच्छा लगता है, गिटार भी अच्छा लगता है बारिश में। और रुबाब बड़ा अच्छा लगता है ना, यस रुबाब रुबाब भी वो बड़ा अच्छा लगता है। आतश सुना दान हमने जाना है ना भड़का जब नेक्स्ट ईयर नॉर्दर्न एरियाज, आतश दान भड़का हो। जाना तो है हमने नॉर्दर्न हो एरिया खान नेक्स्ट पीन ईयर। वाली ड्राई फ्रूट हो। वो तुम्हें खाने पीने के अलावा कोई बात सूट, यस यही बस ना, बस यही यस, होता है लोगों मैं के दुनिया साथ में ना। आई खाने के लिए, जी हाँ जी हाँ, लोगों का पैसे उजाड़ने के लिए, लोगों की जेबें खाली करने के लिए मैं आई।
भाई आप अपने बंदे की जेब खाली करती है, अपनी करती है, और लोगों की जेबें भी खाली करती है। चलो कोई माने, दोस्ती में ऐसा होता ही है, दूसरे के जब हम घरों में जाते हैं तो ऐसा ही होता है ना। ये थोड़ी आगे तुम्हें कोई जेबें खाली सोच ऐसा है जो खुद ऐसे का सना को जो ऊँटनिया बड़ी पसंद है, ये ऊँटनिया और ऊँट बच्चे कितने प्यारे भी साथ वाली गली में सना चला। कभी मन मुझे कहा कर रहा था ऊंटा जीड़ा तेरा कद दे। अच्छा तभी तुम्हें ऊंट ज्यादा पसंद है। मेरे कद का ऊंटों से किया जाता। वैसे तो आपका मैदा भी ऊंट जैसा बहुत पानी पीती है। 2000 का ऑटो लगा के कर दे। सना गई है कुछ खाने पीने का सामान लेने के लिए जो हमने उनके घर लेके जाना। इतनी बदतमीज अभी तक मुझे कुछ नहीं बताया। कह रही बस सरप्राइज है सरप्राइज है। अब सरप्राइज चेक करो भाई, पता नहीं कितने लेके जा रही है। कह लेंगे बस एक जगह जाना है तो मैं साथ लेके जाना है, अच्छी जगह है। मैंने कहा चलो, तो अब मैं रेडी हूँ और जा रही हूँ सनाज किचन के साथ। और क्या, ये उस्मानिया फूड पैलेस, ये देख रही चिंची वाले बड़ा मुश्किल से हटा अपनी जगह से। ये सारा हमारे घर के करीब भी मार्केट है जहाँ से सारी ऐसी ही मार्केट है। लेकिन मेरा ना बड़ा दिल है मैं डिस्कवर करूँ ये मार्केट, क्योंकि हमें बहुत दूर जाना पड़ता है कुछ सामान लेने के लिए। देखिए हमें देखेंगे, कोरियर सर्विस भी है यहाँ पे, फार्मेसीज भी हैं, बैंक भी हैं, तो आगे मैंने सुना यहाँ बाज़ार भी है। तो इंशाल्लाह ताला किस टाइम डिस्कवर करूँगी और आपको भी दिखाऊँगी, क्योंकि मुझे इस एरिया में शादी के बाद आई ही नहीं ज़्यादा, और कुछ लगी बदी रूटीन ऐसी है कि मेरे से दूसरी जगह पर निकला भी नहीं जाता। लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि इस मार्केट को डिस्कवर किया जाए, किस इंसानों के साथ ही चले जाऊँगी। तो जी अभी तक तो वो नहीं आई, चले आती है तो फिर आपसे दोबारा। सना की माहराना ड्राइविंग हमें कहाँ कहाँ से लेके जा रही है। सड़क खराब थी, रास्ता ब्लॉक था। सना ने वहां से कड़ी बैग की, मैंने कहा वाह वाह वाह। और अब अंदर नहीं नहीं, मैंने से कहा मैं उतरी करो, तो इसने कहा नहीं नहीं मैं खुद कर लूंगी। अंदाजे चेक करो सना के, और ये इन रास्तों पे ले जाके आप इनसे रास्ता कह सकते हैं, ये सिखा भी देंगे। खतरनाक रास्ता से आराम से गुजार रही है। और सिखाते हैं आपको, दो चार चंडे पड़ जाए तो कोई बात नहीं, उस्ताद मार ही लेता है। हाँ जी, उस्ताद की मार में ये प्यार है, अल्लाह जानता जी जितने कितनी पगडंडी टाइप सड़क। हाँ ये कहाँ से मुझे गिरी चौक कितनी मजेदार सड़क है, मजेदार है। इसमें तो बंदा पोएट्री लिख दे खड़े हो, तुम जरा पोएट्री लिखो। तो उसके बाद ना फिर हम चले जाएंगे अगलों के घर। ऐसे भी बड़ी अच्छी लगती है, एडवेंचर लगता है, मजा आता है। इधर हिरन निकले, माय गॉड ज़राफा पिछले, और उधर से तो गाड़ी का पेट्रोल भी खत्म हो जाए ना। अरे पेट्रोल ऐसे लेके चले, नहीं नहीं पेट्रोल खत्म हो जाए ना, इसलिए फिर भाई जेड़े ऐसे पानी का दम करके फूक मारे गाड़ी से भाई पेट्रोल आ जाता है। वाह 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 वाह, ऐसी बातें मैं कहीं सुनने को नहीं मिलेंगी। ज्ञानी बाबे की बातें भी आप गौर से सुनो। भाई ये नहीं दसे इधर ही जाएंगे, लेफ्ट ही जाएंगे। हाँ इधर ही जाएंगे लेफ्ट, बाकी देखो आज हम किसी घर पहुंच आ गई है। और अब पता नहीं हम अगलों के घर पहुंच पाते ही नहीं पहुंचते, इन भूल भलाइयों इन भूल भलाइयों में हम चले चलेंगे। और इसे मुझे बताया भी नहीं अभी तक मैं तुम्हें कहाँ लेके जा रही हूँ। बड़ी अच्छी हमें कोई इनवाइट करे ना, हम अगले को फोन नहीं करते कि हम लेट हो, अगला फोन करे तो उसे कदम भूल भलैया ना, भूल भलैया में से लाते लाते ही मुझे कहा ले आई है। स्टूडेंट्स आ रहे हैं भाई, साइड पे बड़े स्टूडेंट हैं, थे स्टूडेंट था जो मोबाइल है टिकटॉक करते हैं सारे टिकटॉक। हां कितनी मजेदार जगह है ना सना, अब ये महीने बाद चीजें बड़ी प्यारी लगती है ना, ग्रीनरी इतनी खूबसूरत हो जाती है। वैसे तो मैं भी ले जा सकती हूँ, लेकिन अगर तुम बता देना मुझे सना। ये देख मुझे कहाँ लेके आई हो, कहाँ लेके आई हो सना, तुम सड़क हर तरफ से बंद है खराब। हां तो पता नहीं कहाँ कहाँ से मुझे लेके आ रही है, और हमारी मंजिल पता नहीं किधर है। बेफिक्र है आपको, आपके मतलूबा जगह पहुंचा, वो तो आपकी मतलूबा जगह हम मैं दूंगा। देखो ना जरा छूटे थे तो मैं ऐसे मैं ले लूं, लेकिन तुम ये देखो कि ये देखो ओए हो महाराणा ड्राइव हमेशा क्या कि अपनी हर चीज से कुछ स्मूथ जिंदगी में सीख। अब ये देखें जिस तरह की सड़कें, आप इसको तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि हम गाड़ी चला रहे हैं, तुमने पहाड़ों पे गाड़ी चलानी है। मेरी अम्मी जवान कितनी मजेदार है, उस तो बाद ना मन से लग सल तो मत पड़ा। नहीं अम्मी जी
ना वैरायटी आ गई। वो शहर नहीं है, कैपिटल जो पाकिस्तान का वो नहीं है, ये बस्ती इस्लामाबाद है जो कि शुगर मिल है डोबा रोड पे, उसको क्रॉस करके बड़ी मुश्किल से जी हम वक्तों के साथ यहाँ पे पहुँच रहे हैं, क्योंकि जिधर जिधर से हम गए हैं जैसे इस्लामाबाद में सड़कें ब्लॉक थी, सेम की सिचुएशन हमें यहाँ पे मिली, सड़कें बंद, कंस्ट्रक्शन हो रही है और बड़े बड़े जिन्होंने आगे बड़े मुश्किल से पहुंचे हैं और पिलर से नीचे रखे हुए हैं और ब्लॉक की हुई है और आखिरी जो सड़कें उधेड़ी हुई है उन्होंने इस्लामाबाद का लेकिन आज बारह उन रास्तों पे आ गए जो मैं जिंदगी में कभी नहीं आई, ये मुझे कहाँ कहाँ से लेके आई। वही तो वही रोड है जहाँ से वो जाते हैं लैला के घर, लैला के घर वही रोड है बस्ती इस्लामाबाद, मैंने सुना हुआ था पर आई फर्स्ट टाइम इधर मैं। अब इधर बस्ती किधर है लेने आ गया, काफी दूर है ना, मतलब वैसे अब चलो आइडिया त्रास से समय आ गया। बड़ा प्यारा घर है माशाल्लाह। चलो असल में रास्ते में ना जरा वहाँ से रोड खराब था, कैसे अस्सलाम वालेकुम क्या है, ठीक है। ये जिम भी तो आई थी बच्चे भी बड़े बड़े हो गए हैं। हमारा इजी है, आपको घर वाकई बड़ा इजी है, लेकिन असल में आज हम इसके अम्मी को डिप्राइव मुझे इसलिए तो ज्यादा चीजें रह गई चीजें, मतलब मेरी खुद की कमीज है ये सारी। नहीं इसके ऊपर काम भी आपने खुद किया हुआ है ये वाला, और जो आपके वर्कर है वो आपके खुद के, मतलब आगे आपने उनको सिखाया हुआ है पहले से थे? नहीं नहीं मेरे कुछ मेरे सीखे हुए हैं, कुछ पहले से सीखे हुए हैं। चलो ठीक है, चलो हम दिखाएंगे पर क्या क्या इसकी डिटेल बताओ। इसके ये है क्या क्या चीज लगी हुई है, ये सितारे हैं, स्ट्रॉन्ग है और ऊपर ये कोरा दबका भी है इसके अंदर, और ये इसके अंदर और क्या लगा हुआ है, ये ट्यूब भी है ये वाली, जैसे ये तो बनी बनाई मिलती है क्रिस्टल की, ये बनी बनाई मिलती है ये वाली, ये नग्स भी है इसके अंदर, ये भी बने बनाए हैं भाई अंदर ऐड के ऐसे करते हैं। अच्छा, मतलब जैसा भी ऐसा कोई हाथ का काम, ये मैं इतनी थी पहले इतनी पतली थी हाँ, ये वाली मतलब इतनी थी नीता, बड़ा प्यारा ये हुआ हुआ है, ये वाला नीट हुआ हुआ है हां नीट का, ये मेरे हाथ के हैं ये सब वाले सारे तुम्हारे हाथ हां, ये वाले ये वाले भी, ये भाई मेरे पास वर्कर भी है, अगर मैं उन्हें बिठाऊं अपने पास काम के लिए, भाई वो कह रही थी अगर आप ही आपको मिल जाते हैं फिर हम आपके घर ही आके कर लेते हैं। या कितना टाइम एक शर्ट पे लग जाता है, जैसे ये वाला काम है ये वाला, ये वाला मम्मा को ये पे तीन चार दिन, तीन चार दिन हाँ बस आये बुरी बात है। तेरा काम एक ये वाली है, इसकी शर्ट जो है ना बहुत सफाई से काम है, इसकी शर्ट उधर है शर्ट खराब भी नहीं, खराब नहीं आप यूँ समझ लें कि 15 साल आपको दिखा, ये भी अंदर सारा मैंने खुद किया, ये सारा सारा खुद लगाया, खुद लगाया सारा सारा। मुकेश भी कर लेते हो आप लोग कि मुकेश का नहीं, नहीं वो मैंने कभी किया ही नहीं, मुझे पसंद नहीं था ना, इसीलिए जो मुझे पसंद था मैं वही करती थी। ऐसे प्रोफेशनल हाथ लग रहे हैं बिल्कुल, जैसे यहाँ की औरतें भी काम करती हैं और ये खुद भी इधर हाथ का ये जो सारा काम दिखा रही हैं ये खुद इनका अपना किया हुआ है। तो वो कहते हैं औरतें भी करती हैं, या आगे से खुद किसी का ऑर्डर हो तो उनको हायर करती हैं अपने काम के लिए, अदरवाइज जितना काम ये दिखा रही हैं ये देखिए कितना नीट है, ये खुद नौरीन का अपना किया और वो कह रही मैंने सीखा नहीं हुआ, शौक है शौक में सारा काम पीछे जी।
मैं यही कहती हूँ कि टाइम को कीमती बनाए, उससे कुछ ना कुछ आप जरूर। ये क्या किया है? ये एम्ब्रॉयडरी है, हाथ वाली। और ये वाला नोरेंज जो कढ़ाई की हुई है, ये कितने दिन में होता है काम? ये कोई नहीं इतने दिन में, ये 3 दिन अगर अपना मैं बनाती हूँ तो फिर मैं 1 हफ्ते में बना लेती हूँ। अच्छा, अगर किसी शर्ट पे कढ़ाई इस तरह की हम करवाए तो उसकी क्या, अगर धागा डबल लगाए ना तो और ज्यादा इसकी खूबसूरती आएगी। पहले मैंने जैसे स्टेज शुरू किया था ना, मैंने सिंगल से शुरू कर दिया था, फिर उससे मैंने कहा अब सिंगल से बन गया, फिर अब किसी का गला दिखाऊंगी तो फिर डबल। इसका गला दिखाओ जरा, बहुत प्यारा है। कौन सा? बहुत अच्छा काम, बहुत जबरदस्त काम है। तो ये अगर आप लोगों ने कोई इस तरह का काम करवाना होगा तो मुझे बताएं, साइमास कॉर्नर को बताएं, मेरे साथ में भी आई हुई है, देखें तो ये काम इन्होंने भी देखा है, मैंने भी देखा है, नेहायत नीट काम, बहुत अच्छा काम। वैसे हम इसकी तारीफ नहीं कर रहे, सारा काम बहुत जबरदस्त है, बहुत प्यारा काम है। सिंगल से शुरू किया था और डबल पे मैंने फिर बनाया है, बहुत नूरीन बैठी हुई है, बहुत प्यारी तमिल मेरी बेटियों जैसी हैं। और ये देखिए उन्होंने अपने टाइम को कीमती बनाया, जैसे विंटर आ रहा है, विंटर में आप ये शॉल के ऊपर काम करवाना चाहें, ये विंटर ये वाला भी बहुत जबरदस्त, ये काम विंटर की शॉल पे हाथ का काम है, ये देखिए बकायदा सारा टांका कितनी बारीकी से हाथ का है, बहुत खूबसूरत है। शॉल पे अगर बना तो जबर गोटा भी है जैसे मेहंदी वगैरह के लिए ना, ये कितना जबरदस्त लगे, ये बिल्कुल नीट जबरदस्त हुआ है। तो सबसे बड़ी बात है कि थी सीखा नहीं, शौक से सारा ये काम मैंने किया है, शौक मैं सीखने कहीं भी नहीं गई, बहुत जबरदस्त काम हुआ है, किसी भी बड़े आर्टिस्ट से कम नहीं है ये। इस तरह आप बनवा सकते हैं, फिर स्टिचिंग आप अपनी मर्जी की करवा सकते हैं, बहुत जबरदस्त है। और ये काम आप देखिए सारा हाथ का, कोई कम हो गया है तो फिर और ले लेती हूँ, अगर कोई बच गया तो वापस कर देती हूँ। जैसे मेरे काम का तरीका ना, वो कहते हैं आप काम का तरीका किसी को नहीं बताता। अब साइमा ये मेरे वैसे दिल के बहुत करीब है, इससे काम शुरू किया इसको मैंने। नूरीन भी आपका काम किसी भी आर्टिस्ट से कम नहीं है, जो सीखा हुआ है काम कोई भी हो। फिर आपको कॉल की क्योंकि पहले तो मैंने इस वजह से नहीं कर सकती थी, असल में ऑर्डर्स है ना, नहीं ले सकती थी क्योंकि मुझे फिर साथ घर में भी देखना होता था, तब भाभियां नहीं थी, तब भाभियां नहीं थी मेरे पास, जी बिल्कुल फ्री कह रहे ना, फ्री हैंड से ये काम किया है और बहुत ही खूबसूरत काम है। इंशाल्लाह सबसे पहला ऑर्डर मैंने करने के लिए आप मेरी तरफ से ले लें, उसके बाद अगर लोगों को पसंद आएगा तो जरूर हम इंशाल्लाह ताला वो करेंगे। और बहुत प्यारा ये काम हुआ है माशाल्लाह, ये देखें, और फ्री हैंड है ये वाला, जी नूरीन है माशाल्लाह, बहुत बदतमीज होगा नोरीन, तुमने ये तरबियत की अपनी बेटी की? अभी अभी स्टार्टिंग कर रही हूँ नोरीन, बस खाना शाना हम खा के आए थे, कोई नहीं, जो जिसका नसीब है वो वही खाता है। मेरा नसीब ना खैर बहुत चंगा लगता है, मेरा नसीब मैं क्या बोलना जिंदा दिखाते हैं। हाँ जी बिल्कुल, ये मेरे पास एक अच्छा वाला पाउच मैंने बीच में से उठा लिया है, मैंने उठा लिया था, बीच में वीडियो में बना रही थी इनको। आऊंगी नूरीन को देने के लिए कुछ ऑर्डर वगैरह ना, तो फिर आऊंगी घर देख लिए, हमारा इजी है घर तो, अब इजी है ना, नहीं हम थोड़ा मजेदार पुराना जैसे सेम है ना, हमारे अब्बूजी का सेम दिख रहा है, हाँ अब्बू का भी सेम काफी बड़ा, नहीं बड़ा अच्छा बना हुआ घर माशाल्लाह, पुराने स्टाइल का अच्छा बना हुआ।
पुराने स्टाइल के ना, जैसे ये जो चीज है ये सारी अच्छी लगती है। स्पेशली सीढ़ियाँ बड़ी प्यारी लग रही है आपके घर। हाँ ये सीढ़ियाँ भी अच्छी लग रही है। अभी वो देखो ना अगर पंजाब का कल्चर याद है, मैंने बड़े शौक से बनवाई। अच्छा जी, अल्लाह हाफिज। चलो फिर इंशाल्लाह मुलाकात होती है। तो ये गेट यहाँ पे क्यों लगाया, वो गेट वहाँ पे ऐसे क्यों, ये इधर लगाया तो था, ये साफ का पता, ये बंद करने के लिए अच्छा नहीं वाला। ये जिम घर देखिए बहुत प्यारा है माशाल्लाह। सना वैसे को रखे ही नहीं। नहीं बस अब काफी देर हो रही है। अच्छा चलो, नहीं नहीं असल में बच्चे भी घर आने वाले ना, इसलिए कह रही हूँ। वही मैं देख रही हूँ। नहीं बहुत अच्छा, नहीं थैंक यू, मुझे ही बड़ा अच्छा लगा। अब पिक्चर से तुम्हारी देखी थी हमेशा, लेकिन चल फैमिली से मिलके बहुत अच्छा लगा। अब असल में शाम में अच्छी हो जानी है। नहीं रहने दो, तो मैं तुम्हें देती हूँ। क्या पता भी मेरे बैंड टूट ही जाए। टूटने वाला बिल्कुल भी नहीं। अच्छा चले वापसी पे लेते हैं, पहले हम घर देखते हैं। चले हाँ माशाल्लाह बहुत प्यारा है। अच्छा सर आप शाम में अच्छी लग रही शो होगी ना, जैसे आप प्यारी लग रही हैं, देखो ग्रीनरी भी अच्छी लग रही है। चलो कोई बात नहीं, फिर से इंशाल्लाह ताला चक्कर लगाएंगे ना तो फिर इंशाल्लाह ताला जरूर आएंगे। सल्ली अला हबीबिना सल्ली अला मुहम्मदिन सल्ली अला शफीना सल्ली अला मुहम्मदिन। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम साइमा स्कोनर। सब लोग कैसे, उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। जी सन्ना का जो सरप्राइज है मैंने रास्ते में ख़त्म कराया। मैंने कहा मुझे बताओ तो सही तुम लेके कहाँ जा रही, बस यही कही जा रही तुम उनको जानती हो। पर जब उसने मुझे बताया तो मेरा ज़्यादा सरप्राइज़ ख़त्म हो गया। मैं उनको बहुत अच्छे तरीके से जानती थी। और आज का व्लॉग कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। मुझे स्पेशली धागे का काम तो बहुत पसंद आया। और लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा व्लॉग से पहले सना का व्लॉग लग चुका है और उसमें भी मुझे काफ़ी ऑर्डर आ गए थे। तो अगर किसी को धागे का काम किसी भी किस्म का पसंद है या कोई इसके अलावा भी काम को पसंद करें तो आप मुझे अब मेरे इंस्टाग्राम का जो है जो आईडी है उस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और बताइएगा आज का व्लॉग कैसा लगा, फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। मैं अपना ऑर्डर तो उसको दे आई थी और अगर आप में से भी कोई चाहे तो वो ऑर्डर दे सकता था। तो बस जी वो लोग बहुत इंसिस्ट कर रहे थे कि आप लोग रुकें अभी, लेकिन चूँकि बच्चों के आने का टाइम हो चुका था तो मैंने सोचा कि बस अब घर चलें, जाके बच्चों को भी देखा जाए। तो आज का व्लॉग कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। और मेरी और सना की गपशप पूरे टाइम रही। बाहर सना ने जी आज हम काफ़ी जगह फंस गए, लेकिन सना ने बड़ी महराना ड्राइविंग से उस चीज़ को कवर कर लिया। अदरवाइज यकीन माने मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि सना इतनी अच्छी गाड़ी चला के अच्छी खासी हर्डल थी जिसमें से उसने निकाला। तो चले जी बड़ा अच्छा लगा आज का सफ़र। और हमने भी आपको काफ़ी झंका वो एरिया दिखाया जो आज से पहले आप शायद नहीं देख चुके थे और मैंने भी नहीं देखा हुआ था। तो चलते जी मिलते हैं आपसे नई व्लॉग में नई रेसिपी, तब तक अल्लाह हाफिज़।